शाम के बज रहे हैं 8 और रात को, रात ही बोलेंगे को मेरा घर कैसा दिखता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं सारे लाइट्स एक्चुअली ऑफ रखती हूँ, सिर्फ कोव लाइट्स ऑन रखती हूँ, दोनों ही जगह कोव लाइट्स ऑन है। तो सिर्फ कोव लाइट्स से भी ना इतना सुंदर लगता है ना कि किसी भी स्पॉट लाइट्स की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे जब कोव लाइट आती है ना पर्दे के पास में तो बहुत सुंदर लगता है, कैमरे पे उतना पता नहीं चल रहा है पर एक्चुअली आंखों से ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है दिखने में। तो आज बन रहा है डिनर में थाली, उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे कटोरियां भी निकाल के रख ली है। आज मन कर गया थाली बनाया जाए, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले कुकर में चढ़ा दिया है दाल, उसमें डाल दिया है आलू और साथ में यहाँ मैं भिंडी फ्राई कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे पालक खिचड़ी ऑलरेडी बना के रख ली है। तो पहले यहाँ पे बैंगन को मैं भरते के लिए सेक रही हूँ, मीनवाइल हमारा भिंडी भी बन रहा है। और यहाँ पे मैंने लिया है 3 प्याज और ढेर सारा लूंगी लहसुन और 2 डाल दूंगी इसमें ग्रीन चिली और इसको मैं चॉप कर लूंगी। तो इससे क्या होगा, हम जितनी भी चीज़ें आगे बनाने वाले हैं उस सब चीज़ों में हमें यही वाला काम में आ जाएगा और बार बार हमें प्याज वगैरह नहीं काटना पड़ेगा। तो ये एक काम मैंने करके रख लिया है। इधर हमारी भिंडी भी हो गई है, नमक मैं भिंडी में लास्ट में डालती हूँ, इससे भिंडी आपकी अच्छी कुड़कुड़ी सी बन जाएगी। इधर देखिए दाल भी रेडी है, साथ में मैंने 2 आलू को बॉईल कर लिया है ताकि मैं पनीर की सब्जी बना सकूँ। बर्तन ज़्यादा गंदे नहीं करने हैं, जब भी ऐसे थाली बनानी है उस पर खास ध्यान रखना होता है। तो जिसमें बनाया था मैंने भिंडी का भुजिया उसी में बना लूँगी मैं बैंगन का भरता भी। तो यहाँ पे जीरा, थोड़ा सा हल्दी डाला और जो प्याज और ग्रीन चिली और लहसुन वगैरह का चॉप किया था वही इसमें यूज़ कर लेंगे, तो फटाफट ये बन जाएगा। तो बस अभी भी इतना सारा बचा लिया है मैंने, दाल में काम आ जाएगा। पे मैंने आटा भी गूंद लिया है मीनवाइल। अब बारी आती है दाल को सीजन करने की। तो देखिए अभी भी हमारा इतना आनियन तो बच ही गया जिससे आराम से हम सीजन कर सकते हैं इस दाल को। तो सीजन कर लिया और इसमें भी थोड़ा सा डाल दूंगी मैं धनिया पत्ता, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा मैंने सीजन करते वक्त डाला है लाल मिर्ची पाउडर भी, उससे कलर थोड़ा अच्छा आ जाता है। अभी देखिए यहाँ पे मेरा दाल रेडी है, सब्जी रेडी है, खिचड़ी रेडी है, आटा गूंद चुका है और सारी ड्राई सब्जी रेडी है और मैंने किचन को भी थोड़ा सा साफ कर दिया। गुड मॉर्निंग। तो देखा कल मैंने बनाया था थाली और ये नजारा आपको मेरे चैनल पे हमेशा देखने को तो मिलता नहीं है। कितने टाइम के बाद आपको दिखा होगा कि शोना ने इतनी सारी वैरायटी बनाई, क्योंकि जो इतनी वैरायटी बनाने में जो टाइम लगता है, वैसे मैं बोल दूं बहुत टाइम नहीं लगता है, 40-45 मिनट्स में बन जाता है, पर थकान बहुत हो जाती है ऑफकोर्स, इतनी सारी चीजें साथ में मैनेज करनी पड़ती है। तो ये जो टाइम लगता है और ये जो एनर्जी लगती है ये मैं इन्वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ मेरा खाना ऐसा बने जो जल्दी बन जाए, टेस्टी बने और हेल्दी भी बने, आपको पता है। इसलिए दिन में राइस दाल सब्जी बन जाती है और रात को रोटी सब्जी। पर एक बात और है, मुझे लगता है कि जिस खाने को मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने बहुत सारे आइटम्स बनाए, बहुत टाइम लगाया, बहुत टेस्टी बनाया,
मुझे लगता है कई घरों में ना ये रोज की बात है, मतलब आम बात है, 3-4 सब्जी बनती ही बनती होगी। तो मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या आपके घर में इतने आइटम्स रोज में बनते हैं, या फिर आप भी मेरी तरह एक दाल एक सब्जी से काम चलाते हो। कल रात खा लिया था हैवी थोड़ा सा, तो आज डिसाइड किया हमने कि हम दिन भर ही नारियल पानी पियेंगे। काफी ज्यादा क्वांटिटी में हमने मंगवाया है नारियल पानी, और साथ में खाएंगे फ्रूट्स, तो आज करेंगे फ्रूट्स डिटॉक्स। जितना भी ना हेल्दी ट्राई कर ले हम लोग खाने में, खाना कितना भी ट्राई कर ले, पर फिर भी कुछ ना कुछ है जो कमी रह जाएगी, क्योंकि हमारे बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, और वो सारी चीजें हम खाने से पूरा कर ले ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे में आपको कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको एक ऐसा सप्लीमेंट बता रही हूँ ना जो बहुत काम आएगा, स्पेशली अभी रेनी सीजन में जब हमारे स्किन और हेयर की बैंड बच जाती है। वैसे मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ, पर ये कोई दवाई नहीं है, ये है एक सप्लीमेंट, जैसे कि आप लोग खाते हो बी कॉम्प्लेक्स वगैरह, तो विटामिन ई है, ओजीवा का, प्लांट बेस्ड है। तो इसे आपको रोज दिन में एक बार आफ्टर मील लेना चाहिए, इससे आपके स्किन और हेयर में बहुत डिफरेंस होगा। ओजीवा के इस विटामिन ई कैप्सूल में है सनफ्लावर ऑयल, जो काम करता है आपके हेयर ग्रोथ के लिए और ग्लोइंग स्किन के लिए। इसमें है आर्गन ऑयल, जो रिड्यूस और कंट्रोल करता है हेयर फॉल को और एक्ने को। और लास्टली इसमें है एलोवेरा जेल, जो हाइड्रेट करता है आपके स्किन को और लाइटन अप करता है हर टाइप के ब्लेमिशेस। मैं बोल रही हूँ इसीलिए मत लीजिए, एक बार हेल्थ केयर प्रोफेशनल से पूछ लीजिए कि क्या आप ये ले सकते हैं, पर मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, विटामिन ई है लेने में कोई दिक्कत नहीं है, फायदा बहुत है। ओजीवा एक बहुत अच्छा ब्रांड है, पहले भी मैंने आपको रिकमेंड किया है, तो मैं लिंक देती हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको लेना हो तो जरूर परचेस करिए। आपको पता ही है जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं कि अंगद को ग्रोसरी शॉपिंग सुपरमार्केट जाना कितना अच्छा लगता है, तो अब एक नई जगह हमें मिलने वाली है ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। ब्रांड न्यू स्टोर कहाँ खुला है? ऑफिस में खुल गया। अंगद मुझे फोटो दिखा रहा है, ये देखो हमारे ऑफिस के अंदर ग्रोसरी स्टोर खुला है, तब चलेंगे एक दिन। तो अब एक दिन जाएंगे और हो सकेगा तो स्टोर हो गया अब तो। हाँ, पहले एक डिपार्टमेंटल स्टोर था ना, मतलब एक जो है, नहीं डिपार्टमेंटल तो नहीं, मतलब गिफ्टिंग आइटम्स वगैरह जो भी फॉरेन एक्सपैट्स आते हैं ना, तो उन लोग के लिए गिफ्टिंग आइटम्स, फिर हमारी कंपनी के ब्रांडेड टी शर्ट मर्चेंडाइज जो होते हैं वो सब मिलते थे, और अब एक नया स्टोर विद ग्रोसरी। वाइफ फोन करके घर, सुनो 1 किलो पोहा लेते आना, वहीं से आप लेते आओ, नीचे उतरो ग्रोसरी लो घर ना। आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में, तो मैंने ये वाली अमेज़न से मंगाई, तो मुझे लग रहा था देख करके वेबसाइट में कि साइज वाइज सही होगा, पर आ तो गया सब कुछ ठीक है, प्राइस भी सही है, पर छोटी आ गई थोड़ी सी, मतलब मुझे ना मेरी जो थी एक्चुअली वो इससे थोड़ी ज्यादा बड़ी थी, तो चलिए इसको तो रिटर्न कर सकते हैं। आज देखिए मुझे लंच नहीं बनाना है ना, तो मेंटली ना ऐसा लग रहा है मानिए कोई ब्लॉकेज हट गया हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास टाइम ही टाइम है, जबकि एक्चुअली आप देखोगे ना तो दिन का मैक्स टू मैक्स आधा घंटा 40 मिनट लगाती हूँ लंच बनाने में, बहुत बड़ा समय नहीं है, बाकी सारा टाइम तो मैं अपना कुछ भी काम कर सकती हूँ, पर क्योंकि पता है कि चलिए 11:30 बजे जाना है लंच बनाने के लिए ना, उसकी वजह से उस रूटीन की वजह से एक मेंटल ब्लॉकेज लगता है, और कोई और काम रूटीन से हटके करने में लगता है कि नहीं करते हैं छोड़ो, आज मुझे लग रहा है कि बुक भी पढ़ सकते हैं, कोई काम भी कर सकते हैं, या आपसे इत्मीनान से बैठ के बातें भी कर सकते हैं। तो पहले बातें करते हैं आपसे इत्मीनान से, बाद में मैं बुक भी पढ़ूंगी। तो एक क्वेश्चन है जो मुझे आते रहता है, शादी वाला वीडियो पोस्ट किया उस टाइम पे, लव स्टोरी शेयर किया था उस टाइम पे, और वैसे भी कभी कभी आता है कि आपने अंगत में ऐसा क्या देखा कि आपने सोचा कि चलो शादी करते हैं इससे, इतना बड़ा डिसीजन आपने कैसे ले लिया। सबसे पहला जो मैंने देखा था उसके अंदर में वो था कि उसको जॉब करनी थी। अभी गुजराती को लेकर जो परसेप्शन होती है सबकी वो क्या होती है कि ये लोग बिजनेस करते हैं ज्यादा, जॉब नहीं करते हैं, तो मुझे बिजनेस वाला लड़का नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे पता है ना उसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो एक स्टेबल इनकम नहीं होता है, नो मैटर आप कितने भी बड़े इंडस्ट्री हो आपकी, कितना भी जमा हुआ आपका बिजनेस हो, पर वो अप्स एंड डाउन्स जो होता है ना वो बहुत हेडेक लेके आता है, और क्योंकि मैं बिजनेस फैमिली से नहीं आती हूँ तो मुझे ये वाला हेडेक नहीं चाहिए था कि इनकम का कुछ पता ही नहीं है, कभी क्या है वो टेंशन आ रहा है, इंसान का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, क्या होगा नहीं होगा मैनेज कर रहा है, मुझे ये था स्टेबल जॉब वाला इंसान हो, ताकि वो एटलीस्ट इनकम की स्टेबिलिटी लाइफ में होनी चाहिए। दूसरी चीज मैंने उसमें देखी कि उसके अंदर ना मैं बहुत कम है, मैं क्या होता है पता है, मैं ऐसे बहुत लोग के बीच उस टाइम पे घिरी हुई थी,
जो सिर्फ मैं करते थे। मतलब आप ऐसे इंसान से अगर बात करोगे आप थक जाओगे। मतलब वो हमेशा आपको भी बोलोगे ना कि पता है मैंने ना ये काम किया, अरे तुमने क्या किया, मैंने पता है क्या किया। आप उसको बोलोगे अपने दुख के बारे में कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ, ये तो कुछ नहीं है, पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं मेरे कान पकते हैं ऐसे लोगों के बीच उठने बैठने से जो मैं बहुत करते हैं। तीसरी चीज जो मुझे अंगद में बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी वो थी उसका सॉफ्ट स्पोकन नेचर। जो वो बातें करता है ना, गुस्सा जब करता है तो गुस्सा आता ही, मैं पहले बता दूं ऐसा नहीं है कि हर टाइम पे सॉफ्ट स्पोकन है, ठीक है गुस्सा तो हर इंसान को आता है, लेकिन जनरली लाइफ में ना उसके जो बोलने की टोन है वो आपको भी पता होगी, वो बहुत ही सॉफ्टली बोलता है। तो मुझे ये चीज भी बहुत अच्छी लगी थी कि हर चीज को बहुत ही धीरे से पेस में बोलता है, तो अच्छा लगा मुझे। वरना मैंने देखा लोग बहुत सारे, स्पेशली मैंने से मेल मेंबर देखे थे कि मतलब थोड़ा सा ना रूडली निकलेगी बातें बाहर, शायद वो नहीं बचाते हो तो रूडली बोले पानी लाना, ये एटीट्यूड होता है लोगों में, तो इसका ऐसा नहीं था। चौथी चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही थी कि, और वो सिर्फ इसको नहीं दूंगी मैं क्रेडिट, इसकी इनके पेरेंट्स को भी दूंगी, कि ना ये लोग बहुत ही ज्यादा ना प्रैक्टिकल थे व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग रिलेशनशिप। अब ये प्रैक्टिकल क्या थे, तो जैसे होता है ना कि एक बाउंड्री रखते थे आपस में। तो जैसे ये मुझे धीरे धीरे पता चली, जैसे एक बार की बात है अंगद के पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी, तो अंगद दिन भर ऑफिस में था, तो उसने विश नहीं किया, मैसेज में विश किया, मतलब फोन पे विश नहीं किया। तो जब ये ऑफिस से आया तो मैंने इसको बोला अरे तुमने बात करी अपने पेरेंट्स से, तो इसने बोला नहीं लेट हो गया ना अभी, अभी तो वो लोग गए हुए हैं बाहर खाना खाने के लिए। तो मैंने कहा तो बाहर गए तो क्या हो गया, फोन कर लो। तो उसने कहा नहीं अभी वो लोग बाहर गए, इट्स नॉट गुड कि आप फोन करो। तो इससे मुझे समझ में आ रहा था कि अच्छा ठीक है, ये लोग ना बहुत ही प्रैक्टिकल है, मतलब प्रैक्टिकल इन द सेंस कि दूसरे को स्पेस देते हैं। उसके पेरेंट्स भी इसके साथ में ऐसे ही हैं, बहुत ही स्पेस देंगे। वरना मैंने ऐसे देखे हुए थे आसपास ना कि बहुत इंटरफेयरिंग होते हैं। एक मैंने इंस्टेंस सुना था, एक मेरे पहचान वाली थी, उन्होंने बताया था कि उनके इन लॉज इतने इंटरफेयरिंग थे कि हनीमून में जो ये लोग गए थे ना, तो वो रोज दिन में दो बार फोन करते थे, क्या खाया, कहाँ गए, क्या कर रहे हो। तो वो इस लेडी को बहुत ही ज्यादा इंटरफेयरिंग लग रहा था कि अरे यार हनीमून पे तो छोड़ दो। ये आपको याद है मैंने आपको ये दिखाया था वार्डरोब अरेंज करके और कहा था कि कुछ दिनों में ये खराब हो जाएगा अगर मैं इसको ऑर्गेनाइज ना करूं। तो एक महीने हो गए लगभग, अभी तक हालात ठीक है, मैं बोलूंगी ठीक ठाक चल रहा है, पर अब कहानी बिगड़ने वाली है। आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, नीचे के स्टैक अच्छे से हैं क्योंकि मैंने पहने नहीं है, ये सारे मैंने पहने नहीं है। दुपट्टा भी देख रहे हो आप, नीचे वाला अच्छे से स्टैक रखा हुआ है, पर ऊपर वाला का हालत खराब हो गया, मैंने ठूस दिया है। यहां भी मैंने ठूसना स्टार्ट कर दिया, जो भी पहना धोया ठूसना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हो रहा है ना, नीचे छोटे से मतलब ये पतले पतले फोल्ड है, ऊपर ये बड़े बड़े फोल्ड है, ये धीरे धीरे क्या होगा अजीब से होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो और ये रहा मेरा डेली वेयर, इसमें भी नीचे जो आप अच्छा देख रहे हो मैंने नहीं पहना है अभी बहुत दिनों से, ये सब पहन रही हूँ, धो रही हूँ, स्टैक करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका ही मुझे कुछ उपाय देखना पड़ेगा। और मैंने इतने कपड़े निकाले हैं ना, मैंने इतने कपड़े डोनेट किए हैं कि आपने शायद वो व्लॉग देखा होगा तो आपको आइडिया होगा। फिर ये सब जितने देख रहे हो अभी मेरे अभी पहनने वाले हैं, मैं ये सब पहनती हूँ, बहुत पहनती हूँ, लेकिन ठूस ठूस के ना मैंने हाल खराब कर दिया। अभी सबको तो हैंगर में डाल नहीं सकते हैं, तो बास्केट ले ही लूं क्या करूं, मुझे तो नहीं। मैं आइकिया गई थी बड़े अरमानों से कि बास्केट होगा तो लूंगी, पर मुझे कुछ खास ऐसे लगे नहीं ढंग के। पर ये प्रॉब्लम मेरे वार्डरोब में होती होगी, पर मेरे ड्रेसिंग में आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं दिखेगी, ये आपको हमेशा ऐसे ही ऑर्गेनाइज दिखेगा। क्योंकि ना ये चीजें ही वैसी, आप एक बार अच्छे से रख दो। कुछ कुछ मैंने ऑर्गेनाइजर्स का भी यूज किया, जैसे लिपस्टिक के लिए ये वाला किया है, फिर ये ड्रॉर्स है, इसमें भी बहुत सारी चीजें मैं रखती हूँ। जब मैंने ये ड्रॉर पहले लिया था ना तो मुझे लग रहा था कि मैंने पैसा वेस्ट कर दिया क्योंकि ये खुलता नहीं है ठीक से, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मतलब दिक्कत देखिए अभी भी आ रही है, जैसे इस बड़े वाले को खोलने के लिए दो छोटे वाले को पुश करना पड़ता है, पर स्टिल ये मतलब काम कर रहा है और अच्छे से काम कर रहा है। वो पकड़ के लाई हूँ मैं, देखिए जैसे मैं ऑफिस रूम जाती हूँ मैं देखती हूँ बंदे का हेडफोन नहीं लगा है। मैं समझ गई कुछ टाइम के लिए मीटिंग से छुट्टी है, तो फटाफट आपका ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, क्विकली आपको जवाब देना है। मेरे अंदर कौन सी ऐसी दो क्वालिटीज थी जिसे देख के तुमने डिसाइड किया कि मुझसे शादी करना सही रहेगा? दो ही? नहीं दो ही बताओ, बहुत टाइम नहीं लूंगी मैं, ठीक है ना? ऑलरेडी मैंने बहुत टाइम ले लिया है, इस पे अलग से एक ब्लॉग बन सकता है। नहीं इसी में फटाफट पहली और सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि मतलब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड। ऑब्वियसली मतलब जब हम लोग मिले थे तब वो अपने बेस्ट फेज में नहीं थी, बट स्टिल वो काफी स्ट्रॉन्ग हेडेड थी और जो भी डिसीजन अपने लाइफ में ले रही थी उसी पे वो अड़ी हुई थी। तो पहला हो गया स्ट्रॉन्ग हेडेड, दूसरा बताइए फटाफट, बीच में अंगद जी का ऑफिस का कॉल भी आ रहा है इसलिए कट करना पड़ा, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। दूसरा वाला है कि उसका सिंप्लिसिटी, एकदम सिंपल है, कोई ज्यादा नखरे वगैरह नहीं है, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं, मेकअप वगैरह उतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अपना मस्त नॉर्मल रहती है। तो एक हस्बैंड के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? नहीं, खर्चे कम हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा, सिंप्लिसिटी इज
मच मोर ब्यूटीफुल देन दी आर्टिफिशियल। और उस टाइम पे तो मैं एक्चुअली अभी से काफी ज्यादा सिंपल थी, अभी तो फिर भी मैं बोलूंगी थोड़े बहुत है भी, पर उस टाइम तो ऐसे फेज में थी कि शायद नेल पेंट भी लगाती नहीं थी, अंकल को बोलना पड़ता था नेल पेंट क्यों नहीं लगाती हो, और लड़की नेल पेंट लगाती है। तो ये दो चीज थे, बहुत अच्छा दिया आपने और आपका हमने समय लिया। अब यू गो बैक टू योर बिजनेस और ऐसे ही आते रहिए, अपना कीमती समय हमें देते रहिए, इंटरव्यू के लिए बुलाते रहिए, हम आते रहेंगे, वी आर वेरी मच ऑब्लाइज्ड। थैंक यू। इसीलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी आप लोग करते रहे। पहले ना मैंने हैंगिंग वे में ही इसको सजाया था, वो जो उसने लेकर आई थी ना आइकिया से, तो मेनली मैंने एक्चुअली वीडियो के लिए लिया है, वीडियो के बैकग्राउंड में कभी कभी रखा करूंगी, पर रोज बरोज मैंने अगर आप इसको हैंग करते हैं तो मैंने देखा इसमें बहुत धूल जमती है और मकड़ी के जाले भी लग सकते हैं अगर आप दो तीन दिन साफ ना करो, तो मैंने तो दोनों को ना बास्केट में रख दिया। ये वाला ना मैंने नया वस्त्र पहनाया है काना जी को, ये अभी आए थे ना मॉम डैड गुजरात से तो लेकर आए थे, मुझे इतना सुंदर लगा। ये मुकुट है, ये पहले से था मेरे पास, तो इससे मैचिंग मैचिंग भी हो गया और इतना ज्यादा सुंदर लगा दिखने में। वैसे मेरे काना जी बहुत छोटे से हैं, इतने से ही हैं तो, पर ठीक है यहाँ पे अच्छे से आ जाते हैं। और यहाँ पे लक्ष्मी गणेश का जो साइज है ना लगभग उससे भी छोटा मैं बोलूंगी इनका साइज है। और ये भी मॉम डैड ने ही अंगद के दिया था शादी के, जब हम लोग शादी करके आ रहे थे ना बैंगलोर तभी उन्होंने मुझे दिया था। ये है मेरा मंदिर, बहुत बार क्वेश्चन आता है वीडियोज में कि जो लोग नए जुड़ते ना मेरे साथ, ये मंदिर आपका कहाँ है, मंदिर आप दिखाते नहीं हो, तो देखिए ये है मेरा छोटू सा प्यारा सा मंदिर, ऑफिस रूम में है। और ये जो आप देखते हो ना गोल्डन जो आप देख रहे हो, वो हमने अभी हाल फिलहाल पिछले दिवाली में हमने खुद से यहाँ पे लगाया है, पहले ये नहीं था, सिर्फ वॉलपेपर था। और नीचे ये है, दो ड्रॉअर है इसके अंदर, एक में सारे पूजा का सामान आ जाता है, दूसरा ड्रॉअर जो है वो बाहर निकल आता है, तो उसमें हम अगरबत्ती दिया वगैरह रख सकते हैं। तो जब ये बंद हो जाता है ना तो कुछ ऐसा दिखता है। अच्छा, तो आइकिया का ना बैंगलोर में डिलीवरी स्टार्ट हो गई है, होनी आप कर सकते हो, मतलब पहले ना हमारे एरिया में नहीं आ रहा था, आई डोंट नो बाकी एरियाज में आ रहा था कि नहीं आ रहा था, तो कुछ मुझे मंगाना है। अब ये कितनी फनी बात है कि हम लोग अभी दो हफ्ता पहले आइकिया होकर आए हैं, पर कुछ ऐसी चीज थी जो बाद में रियलाइज किया कि हमें लेना चाहिए। ये मंगवा रहे हैं एक्चुअली हम लोग आइकिया से, तो ये वाला जो रोज है ना, जब मैं ये लेकर के आई ना जग, उसके बाद यहाँ पे रखा, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये ना रोज इस जग में बहुत सुंदर लगेगा। जग के अब तो फ्लावर वेस बना दिया है मैंने, पर ये सिर्फ दो नहीं, अगर मैं यहाँ पे ना और 10 रोजेस रख दू ना, टोटल ऐसे 12 या 10 का गुच्छा रखू, तो बहुत खूबसूरत लगेगा, क्योंकि ग्रीन कलर का ये बैकग्राउंड है, उस पर ये रेड अच्छा लगेगा। आज हमने लंच स्किप किया ना, मतलब फ्रूट्स लिया और नारियल पानी पिया, तो लग गई थी अच्छी खासी भूख, तो लिया चाय के साथ में मखाना, वही इसमें फ्राई किया। और ये वाले में ना फ्राई किया मैंने आज फर्स्ट टाइम, वरना ना मैं वो जो एक और कास्ट ट्राइन का मेरे पास है ना उसमें फ्राई करती हूँ, उसमें अच्छे से फ्राई होता है। इसमें जब फ्राई करने गई ना हल्का सा पतला है ये, मतलब सब्जी वगैरह अच्छा बन जाता है, पर मखाना जब फ्राई करने गई ना तो जल्दी जल्दी जल रहा था। इसकी बात कर रही हूँ मैं, एक्चुअली ये बहुत मोटा सा कढ़ाई है, पर इसमें मैं इसलिए बस नहीं करती हूँ ना क्योंकि ये बहुत ही वेट है इसका, तो कोई भी चीज इसमें बनाइए तो बापरे उठा के इसको वॉश करने में हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वॉश तो करना है इमीडिएटली। और ये जो है ये बहुत लाइट वेट है, तो अंगद तो कर रहा है मीटिंग में आगे बनाने के लिए खाना। शाम को ना अंगद को भेजा था मैंने चाय वाय पीने के बाद में लाने के लिए घी, तो ये ना एक लोकल शॉप है, हम लोग वहीं से घी लाते हैं, ये घर का बना हुआ देसी घी है गाय वाला, और ये जो डब्बा है ना इसमें ही भर लेंगे। तो ये एक बार ही हम लोग ये A2 घी लेकर आए थे, बहुत महंगा आता है, उसके बाद हमने कभी रिपीट ही नहीं किया, पर ये डब्बा हमेशा यूज में आ जाता है, तो ये ऐसे पैकेट में करके देते हैं, इसको फिर पिघला पिघला करके इसमें डाल लूंगी। और डिनर में है आज सिंपल सा डोसा, और आलू स्टफिंग के बदले ना मैं पनीर का स्टफिंग बनाऊंगी। आज अंगद की रात की दो मीटिंग थी, एक उसने खत्म करी, फटाफट हमने खाना खाया, खाना खत्म करते करते ही उसकी दूसरी मीटिंग का टाइम भी स्टार्ट हो गया। फिर मैंने किचन वगैरह क्लीन किया और मैं आ गई रूम में। ये वाला व्लॉग जो है ये मुझे एडिटिंग भी करनी है, थोड़ा बहुत बच गया है वो करूंगी, उसके बाद भी टाइम रहा थोड़ा सा बुक रीड करूंगी, फिर सो जाऊंगी, क्योंकि अंगद का 12-12:30 भी बच सकता है, तो आजकल थोड़ा सा बिजी चल रहा है वो। पर थैंकफुली एक चीज अच्छी है ना कि अभी भी उसके ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वरना सोचिए कि पहले दिन भर वो ऑफिस में होता, फिर ट्रैवल करके वापस आता, आने के बाद फिर रात को ये मीटिंग तो करनी ही करनी है यूएस के टाइम पे, तो बहुत हेक्टिक हो जाता। तो एटलीस्ट जो ऑफिस जाना है आने का जो टाइम है ना वो उसका बच जा रहा है, घर से ही काम कर ले रहा है, बर्डन बहुत है, पर चलिए ट्रैवलिंग टाइम तो बैंगलोर में पता है ना कितना ट्रैफिक होता है, तो वो उसका बच जा रहा है, तो आई एम हैप्पी कि चलो घर से ही कर लो। और ये फेज आता है कभी कभी बहुत बहुत बिजी वाला भी, उसका वो वाला चल रहा है, तो क्या कर सकते हैं। एनीवेज चलिए इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग यहीं तक रखती हूँ, और आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा है और इन केस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोज को देखते रहिए। बाय बाय।